मोटर में। इसकी प्रोडक्शन घंटे का 150 kg प्लस होने वाली है। 150 kg, 150 kg प्लस। और भी कंपनी खोल के अपना ब्रांडिंग करना चाहे तो क्या ये मशीन से वो काम ये चालू कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मशीन मैंने दिखा दिया जी जी। इसके साइक्लोन वाली मॉडल भी मिल जाएगी जी जी, जो आटे को ठंडा करके। कितनी मशीन लगेंगी इसमें टोटल? ये जाली है, दिखा सकते हैं, ये जाली है। 8 जाली हम इस मशीन के साथ आपको देंगे जी। तो इस जाली से क्या क्या काम होता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज फिर से एक और नए वीडियो में एक नया बिजनेस दिखाने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं छोटा आटा चक्की, जिसे आप घर में लगाकर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और जो है ये यूँ कहा जाए तो बहुत ही कम पैसों में आप इसको चालू कर सकते हैं, इस बिजनेस को। तो यहाँ पे आप हम आए हुए हैं और ये मशीन जो है यही इसे क्या बोला जाता है भैया? पल्वराइजर मशीन इसको बोला जाता है। नए मॉडल में जो आटा चक्की आ रही है पल्वराइजर उसका नाम है। और तरह तरह की मॉडल आ रही है, बहुत सारी मॉडल हमारे यहाँ मिल जाएगी जी जी। तो इसका सर ये किस प्रकार वर्क होता है और क्या चीज़ है थोड़ा सा बताइएगा जी। बिल्कुल बताएंगे। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका मोटर लगता है। ये 10 HP की पंजाब मॉडल पल्वराइजर मशीन है। यहाँ पे मोटर लगेगा और उसकी 10 HP का मोटर लगेगा। इस मशीन की खास बात है कि इसको आप 7.5 HP से भी चला सकते हैं, 10 HP से भी चला सकते हैं और 15 HP से भी चला सकते हैं। और उसके अलावा इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि ये कास्ट आयरन चेंबर में बना है। कास्ट आयरन जी। इसको खोलिए, इसको आप आसानी से 12-14 घंटा लगातार चला सकते हैं। लगातार चला सकते, हीट नहीं। कास्ट आयरन की चेंबर होने के कारण ये ज्यादा हीट नहीं होती है जी जी। इसकी ब्लेड जो देख रहा है ये इसकी ब्लेड है। ये आपको मशीन तो बहुत जगह मिल जाएगी लेकिन किसी को ये पता नहीं होता है कि ये ब्लेड आखिर किस मेटल से बना हुआ है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, AS का जो है फुल फॉर्म हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि सारे लोग कॉपी करते हैं यहाँ का। अच्छा अच्छा, इसलिए हम नहीं बताएंगे। आपके जो भी व्यूअर्स हैं जी दर्शक, हमारे नंबर पे कॉल करेंगे तो उनको बता दिया जाएगा जो भी जानकारी चाहिए। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको जो भी जो है इस मशीन से रिलेटेड अगर जो भी जानकारी लेना हो तो आप इनसे इस नंबर पे बात करके आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस मतलब टेक्निकल चीज़ जो इशू आता होगा ऑपरेट करने में तो उसको कैसे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मशीन को ऑपरेट करना जी, क्योंकि मशीन है तो चलेगा ही, उल्टा सीधा चलेगा। यहाँ पे तीर का निशान दिया हुआ है, इसको आप जिस दिशा में चलाना है तीर का निशान दिया हुआ है उस दिशा में चलाते हैं तो एक नंबर चलेगा। और प्रोडक्शन की बात करें तो इसको 10 HP मोटर में इसकी प्रोडक्शन घंटे का 150 kg प्लस होने वाली है। 150 kg, 150 kg प्लस। और भी मशीन है पीछे, पीछे भी मशीन देख रहे हैं, और भी मॉडल है, बहुत सारी मॉडल मिल जाएगी। इस सब की प्रोडक्शन उतनी नहीं होती है लेकिन पंजाब मॉडल पल्वराइजर एक ऐसा मशीन है जिसका प्रोडक्शन 150 kg 10 HP मोटर में आसानी से देती है। अगर उसको 7.5 HP पे चलाते हैं तो आपको 120 kg प्लस प्रोडक्शन देगी। 15 HP मोटर पे चलाएंगे तो 200 kg प्लस प्रोडक्शन देगी। हाँ, सवाल मशीन के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया, अब हम जानना चाहेंगे कि ये मशीन का सर प्राइस क्या पड़ जाएगा? बिल्कुल, इस मशीन की प्राइस जो है ऑल ओवर इंडिया से सस्ती मेरे यहाँ है, मात्र 55,000 रुपया प्लस GST जी। मतलब ये 55,000 रुपए लगाकर जी आप इसे बिना मोटर के, बिना मोटर का, मोटर अलग से है, मात्र 55,000 रुपए में ये मशीन यहाँ पे मिल जाएगी। GST अलग से लगती है, प्लस में 1 साल की गारंटी जी, जो भी प्रॉब्लम होगा। और ये क्या रखी हुई है सर? ये जाली है, आप दिखा सकते हैं, ये जाली है, 8 जाली हम इस मशीन के साथ आपको देंगे जी जी जी। इस जाली से क्या क्या काम होता है? जैसे 8 जाली है तो मतलब किस किस सारे जाली का अलग अलग प्रोडक्ट निकालने का है, जैसा जाली लगाएंगे उस तरीके का प्रोडक्ट। मतलब ये अच्छा, इस मशीन में मसाला वगैरह भी की पिसाई भी हो जाएगी? जी बिल्कुल होगी, मिर्ची छोड़ के सारी चीज पिसा सकती है इसमें। मिर्ची छोड़ के, मिर्ची के लिए, मिर्ची के लिए अलग मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। ये सारी मशीनें हमारे यहाँ है ताकि दोस्तों देख सकते हैं, अगर मसाले का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो आप एक ये वो मशीन जो मैंने दिखाया और ये एक ये मशीन जो कि स्पेशली जो है मिर्ची पाउडर पिसाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सिर्फ मिर्ची पाउडर ही नहीं, इसमें जो है सारे मसाले एक बार में एक नंबर क्वालिटी में निकलेगा। अच्छा, इसमें सारे मसाले भी पिसाई हो जाएगा? जी सारे मसाले इसमें पिसाई होगी। रही बात तो अब इसका इसका प्राइस भी बता दीजिए कि इसका क्या पड़ेगा। इसमें हम इसकी प्राइस जो है जी, हम वीडियो में मजबूरी है नहीं बता सकते हैं जी जी जी, क्योंकि एक मॉडल का हमने बता दिया है, बाकी ये सब की प्राइस जब नंबर पे कॉल करेंगे तो बता दी जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ से डीलर को भी माल जाती है जी जी। तो कहीं ना कहीं हमको परेशानी होती है रेट के लिए, लेकिन इसलिए रेट नहीं बता ये सकते। है कि पूरा ऑल इंडिया आप इसका जो है रेट जो है यहाँ पे आपको सस्ती मिलेगी, सस्ती मिलेगी जी। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में है, अगर कई लोग सोचते हैं कि आटा का जो कंपनी खोल के अपना ब्रांडिंग करना चाहे
तो क्या ये मशीन से वो काम ये चालू कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मशीन मैंने दिखा दिया जी जी। इसकी साइक्लोन वाली मॉडल भी मिल जाएगी जी जी, जो आटे को ठंडा कर, आइए हम आपको दिखाते हैं जी। पैकिंग करना है, पैकिंग के लिए यहाँ बैंड सीलर मशीन है। अच्छा, इसमें 10 kg तक की पैकिंग कर सकते हैं। अच्छा, 10 kg तक का जो आटा का जो पैकेट, जिस तरह का पैकेट पैक करना है उस तरह का हम पैकिंग मशीन दे देंगे जी जी। उसके अलावा जी गेहूँ साफ करने के लिए इधर राइस मिल है, इसमें हॉलर कर सकते हैं गेहूँ को, उधर छोटा में राइस मिल है। तो मतलब अगर आटा मिल चालू करने के लिए कि ये मशीन एक वो पिसाई करने वाला नहीं, अभी बता दे रहे हैं जी। आप गेहूँ साफ करने के लिए हॉलर भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर दिखाइए, ये चलना मशीन है। अच्छा, ये चलना चलना जी, करने इसमें भी आप गेहूं साफ कर सकते हैं। अगर हॉलर करके करना चाह रहे हैं तो हॉलर भी लगा सकते हैं जी, जी। छोटा राइस मिल 3 HP वाली लगा करके आसानी से आप कर सकते हैं जी, जी। पैकिंग का मशीन मैंने दिखाई दिया, सारा सेटअप यहाँ पे सारा सेटअप मिल जाएगा, सारा सेटअप मिल जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अगर अपना कंपनी अगर खुद का आटे वाला अगर मिल चालू करना चाह रहे हो, अपना ब्रांड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल सारी मशीन मिल जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर दे देंगे, आप पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।